अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वो तो आपको पहले से पता होगा, YouTube वीडियो पर व्यूज लाने के लिए थंबनेल बहुत पैरामीटर रखता है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को थंबनेल बनाना सिखाएंगे, कभी ज़बरदस्त थंबनेल। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी। मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग थंबनेल बना सकते हैं खुद से, वो भी ज़बरदस्त थंबनेल जैसा मैं बनाता हूँ, मैं भी ऐसा ही बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को थंबनेल कैसे बनाता है ये पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में हम आप लोगों को शुरू से अंत तक थंबनेल कैसे बनाया था, वो भी HD सिर्फ मोबाइल से। आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल से। और मैं भी कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को थंबनेल कैसे बनाया था वो पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च टैब में लिखना है, सबसे पहले पिक्सलैब लिखना है। देखिए दोस्तों, ये लिख के सर्च करना है। लिख दिए, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, अपडेट करना है, लेकिन अपडेट अभी नहीं करेंगे। ये हो गया। उसके बाद एक बैकग्राउंड एराइजर इंस्टॉल करना है, ये सर्च करना है। ये देखो दोस्तों, मैंने ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इससे सिर्फ फोटो का बैकग्राउंड चेंज होता है। तो आपको जो मर्जी हो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं फिलहाल ये वाला किया हूँ। अब मैं सबसे पहले इसी एप्लीकेशन पर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज होता है फोटो का। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा से देखिएगा, तभी आप लोग थंबनेल बना सकते हैं। अन्यथा अगर आप सही से नहीं देखिएगा, वीडियो को मिस कर दीजिएगा, तो आप नहीं देख पाएगा, यानी वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। अब यहाँ से हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए मैं एक पिक लूँगा, ये रहा। हो गया बैकग्राउंड चेंज। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर दिए, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिए। हो गया दोस्तों, अब हमें पिक्सलैब पर जाना है। अब देख सकते हो, अगर आप थंबनेल बना करके छोड़ दिए हैं तो ऐसे आएगा, अगर छोड़ दिए तब। अगर कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो जो थंबनेल बना रहेगा वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं तो जो थंबनेल बना करके इस ऐप्स को एंड के यानी बंद किए थे वो आ जाएगा। मैं अभी देखिए ओके करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एप्लीकेशन ये थंबनेल बना के रखा, तो मैंने इसे अभी डिलीट करूँगा सबको बारी बारी से, और आपको फिर से बना करके सिखाऊँगा। डिलीट वाले ऑप्शन यहाँ से आता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, डिलीट है, यहाँ से डिलीट है, यहाँ से हम सबको करेंगे डिलीट, ठीक है। पिक को भी कर देंगे। सबसे पहले हम एक फ़ोटो लेंगे, यहाँ से ले सकते हैं फ़ोटो फ्रॉम गैलरी। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ले लिया, अब इसे लॉक कर देंगे। लॉक यहाँ से होता है, लॉक, सॉरी 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 सॉरी, डिलीट हो गया। लॉक यहाँ से दोस्तों, लॉक का मतलब है कि ये इधर नहीं होगा, हो गया स्थाई। आप देखिए, अब हमको बनाना है थंबनेल, मेरे जैसा थंबनेल कैसे बनाना है, यानी ये लिखना है, ऐसा थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले हम प्लस वाला एक नंबर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे। इसके बाद हमें ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमको साइज पे क्लिक करना है। अब ये देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद हमें बोल्ड पे क्लिक करना है, फिर बोल्ड पे क्लिक, फिर आई टी लिख पर क्लिक करना है। कहाँ कहाँ क्लिक की दोस्तों,
पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, हो गया मेरे। अब लिखेंगे जैसा, मेरे जैसा, फिर वही करेंगे, साइज पे आएंगे, यहाँ पे साइज बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा इधर ले लेंगे, लेंगे फिर इसको बोल्ड करना है, बोल्ड आइटैलिक करना है, इसे थोड़ा छोटा करेंगे, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, मेरे जैसा। अब इसे हम रोटेट करेंगे, ये देखिए दोस्तों, रोटेट यहाँ रहा, रोटेट दो पर करेंगे हम, दो पे, इसे भी दो पर करना है, दो हो गया मेरे जैसा। अब हमें एक शेप लेना है, शेप यहाँ से लेंगे, शेप इसे भी दो पे रोटेट करना है। देखिए अगर शेप लेते हैं तो रोटेट यहाँ से होगा, इस पर होगा, रोटेट दो पे था, दो पे हो गया मेरे जैसे थंबनेल। अब थंबनेल लिखना है, थंबनेल इसका सबसे पहले हमें कलर चेंज करना है, ये रहा कलर, ये रहा कलर, इसका कलर चेंज हो गया, आपको जैसा मन है वैसा आप रख सकते हैं, मैं फिलहाल ये ले रहा हूँ। फिर इसके बाद जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसे बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, फिर इसे साइज बड़ा करेंगे, फिर इसे रोटेट करेंगे 2 डिग्री, हो गया। फिर इसे हम कलर चेंज करेंगे, ये कलर हो गया। अब लिखेंगे मेरे जैसा थंबनेल बनाना सीखे, बनाना, फिर इसे हम बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, फिर इसे रोटेट करेंगे दो पर, दो हो गया, क्या डालेंगे सीखे, सीखे। इसे थोड़ा छोटा करेंगे, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, इसे भी बोल्ड करना है, फिर से इटैलिक करेंगे, फिर और दो पर रोटेट करेंगे, हो गया दोस्तों। अब हमें कलर चेंज करना है, कलर देखिए दोस्तों, हो गया, हम इसे फिलहाल ये दे देते हैं, इसे भी कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों। इसमें एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन में बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन अगर उतना समझाएंगे आपको तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल जो चलता है थंबनेल वो आप अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब फोटो लेना फ्रॉम गैलरी से, अभी मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया है, ये देखिए दोस्तों हो गया। अब ध्यान रहे कि अगर आपको कुछ सेट करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं बारी बारी से। मान लीजिए अगर लॉक करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। मान लीजिए हमको कि ये जो है थंबनेल, हमें इसको कलर चेंज करना है, तो अगर हम सिर्फ जो थंबनेल है इस पर अनलॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे और इसे हटाएंगे तो सिर्फ यही पर काम करेगा, तो अनलॉक लॉक इसी पर आता है। अब हम फिर से इसे लॉक कर देंगे, अब सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये जो मेमोरी वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा फंक्शन है, ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ बताया है, आगे और वीडियो आएगा इसी पर जिसमें मैं इस सारे के बारे में बताऊँगा, ये क्या है, 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 मैं सारी चीज़ बताऊँगा। अभी फिलहाल इतना ही चीज़ काफ़ी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं इसे सेव कर दूंगा, सेव हो गया दोस्तों। अब गैलरी में चलते हैं,
ये देखिए दोस्तों, मेरे जैसा थंबनेल बनाना सीखे। तो दोस्तों आप ऐसे करके थंबनेल बना सकते हो भी मोबाइल से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो को तो दोस्तों लाइक तो जरूर करना चाहिए।